हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे हमने अभी पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो CSIR का जो जॉइंट एग्ज़ाम था दिसंबर 2022 और जून 2023 का, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले कर दिया गया है, आंसर की आ गई है और जो आपकी रिस्पॉन्स शीट थी, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वो भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड द जॉइंट सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम 6th, 7th एंड 8th जून को जो हुए थे 2023 में, टोटल 426 एग्जामिनेशन सेंटर थे और 178 सिटीज़ में अक्रॉस किया गया। इसमें जो टोटल कैंडिडेट हैं वो 274027 कैंडिडेट टोटल इन्वॉल्व हुए थे। जो मोड था वो CBT था। अब मेन पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि जो यहाँ पर आपका जो आंसर की जो चैलेंज करने का समय है, या हम कहें कि जो ड्यूरेशन आपको दी गई है, वो आज की डेट से लेकर के जो 16 तारीख है उसको आप रात 11:50 तक की आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ फी भी पे करना पड़ेगा, वो भी उसकी फी पेमेंट का टाइम भी जो है वो 16 तारीख 6th मंथ 2023 यानी कि 11:50 तक की दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप 11:50 के बाद अगर इस चैलेंज करेंगे तो वो आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर NTA की वेबसाइट दी गई है। जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप NTA की साइट पर आ जाएंगे। जब NTA की साइट पर आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर कुछ जो लिंक्स हैं वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर सिटी अलॉटमेंट के बारे में दिया गया। जब आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, स्कोर कार्ड है जून 2022 का, उसके साथ साथ करेक्शन विंडो है और आंसर की चैलेंज फॉर ज्वाइंट CSIR। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। इस पर जाने के बाद में आप अपना ID और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद जो विंडोज़ खुल कर आएगी वहाँ से आप जा करके आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको फीस पे करनी है वो आई थिंक 200 रुपये इसके लिए आपको चार्ज करना है पर क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन चैलेंज 2200 रुपीज़। ठीक है, नॉन रिफंडेबल होगा। जो ये एक बार आपने पे कर दिया उसके बाद में रिफंड नहीं किया जाएगा। पर यहाँ पर कुछ स्टेप्स में ये प्रोसीजर दिया गया है। जब आपने लॉगिन कर लिया, अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, उसके बाद में आप क्लिक ऑन व्यू क्वेश्चन पेपर फॉर मार्क्ड रिस्पॉन्स एंड टू व्यू और चैलेंज दी आंसर की, क्लिक ऑन दी क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। उसके बाद आपको चैलेंज आंसर की पर क्लिक करना है और इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन दिया गया, आप इसको चेक कर लीजिए। आपको जो भी परेशानी हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर के डिस्कस कर सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपको अपना क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के अपना क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।